मैंने देखा ऊपर रिकॉर्डिंग का सिंबल नहीं आ रहा था। ओके ओके, ऑनलाइन रिपीटेशन सुन रहा हूँ, अब मैंने कर दिया, शुरू कर दिया। तो एट हाउस बहुत इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारी इवन डेथ कैसे होगी। बताइए, कोई और कोई सिस्टम नहीं है जो बता दे। आप इनका हॉरोस्कोप देखिए, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, संजय गांधी है, यू विल फाइंड ऑल मैलिफिक प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन द एट्थ हाउस। ऑल जो अशुभ ग्रह है, शनि है, मंगल है, राहु है, उन सब का कॉम्बिनेशन आपको एट्थ हाउस में मिल जाएगा। और एट्थ हाउस मैंने ये भी कहा था कि जो आपकी मैरिज किस तरीके से होती है, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मैलिफिक प्लैनेट होते हैं तो मैरिज आपकी होती है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी, और वो मैरिज बहुत दिन चलती भी नहीं है। आप इन तीनों का देखिए कि मैरिज कैसे हुई, और क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट थे तो डेथ भी जो है वायलेंट तरीके से हुई, नॉर्मल डेथ इनमें से किसी की भी नहीं। तो इस तरह से हम एट्थ हाउस से पता लगा लेते हैं कि आपकी इवन डेथ कैसे होगी, लॉन्गेविटी कैसे होगी, मैरिड लाइफ मतलब मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, तो वो हम सारी चीजें हम इससे देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, ये दिस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट ऑल्सो। जो आप ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एट्थ हाउस। जब एट्थ हाउस के साथ हमारा मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन हो जाता है, तब हम इस तरह के विषय को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट बना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द एट्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस को देखें, भाग्य स्थान है हमारा, और भाग्य स्थान सर्वोपरि होता है। भाग्य जो है वो आपका सर्वोपरि है। भाग्य अगर अच्छा है, बाकी चीजें कितनी भी खराब हो, वो भाग्य आपको संभाल लेगा उसको। इसलिए भाग्य का अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ हाउस का स्ट्रांग होना, अगर आपको लाइफ में सफलता मिलनी है, ईश्वर का साथ मिलना है, ईश्वर की ब्लेसिंग मिलनी है, प्रोविडेंशियल हेल्प मिलनी है, तो ये जरूरी है कि आपका जो नाइन्थ हाउस है, आपका जो भाग्य स्थान है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर एट हाउस मान लीजिए कि बहुत खराब है आपका, दैट इंडिकेट सेपरेशन डाइवोर्स, लेकिन नाइन्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांग, नेचुरली नाइन्थ हाउस विल सुपरसीड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सेवंथ एंड द एट्थ हाउसेस। इसी तरह से किसी भी हाउस का नेगेटिव इफेक्ट कैन बी सुपरसीडेड विद द हेल्प ऑफ नाइन्थ हाउस, भाग्य स्थान से। और हम जो अपने फादर को देखते हैं, फादर इज टू बी सीन फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। और आप देखेंगे देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द हाउस ऑफ द फादर। कहीं आप एस्ट्रोलॉजिकल किताबों में देखेंगे नाइन्थ हाउस लिखा हुआ है और कहीं पर टेंथ हाउस लिखा हुआ है, और ये लोग पूछते रहते हैं कि नाइन्थ हाउस से कंसिडर करें फादर को या टेंथ हाउस से कंसिडर करें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फादर के दो रोल होते हैं हमेशा, एक रिलेशन विद द चिल्ड्रन और रिलेशन विद द वाइफ। हमेशा देखिए कि आप अपने बच्चों के साथ किसी और ढंग से बिहेव करते हैं और अपने स्पाउस के साथ किसी और ढंग से बिहेव करते हैं। तो अगर नाइन्थ हाउस की पोजिशन को देखें और लगन को देखें, तो लगन जो है वो नाइन्थ हाउस से फिफ्थ पोजिशन है। लगन जो है अगर काउंट करेंगे तो नाइन्थ हाउस से फिफ्थ पोजिशन है, और फिफ्थ होता है आपके बच्चे, तो इसका मतलब फादर का बच्चा वो आप खुद हैं। तो यू कैन जस्टिफाई कि फादर इज टू बी सीन फ्रॉम द नाइन्थ हाउस एज ए फादर। अगर आपको उस रोल में देखना है, इन द रोल ऑफ फादर, देन यू हैव टू सी इन द नाइन्थ from the ninth house. लेकिन जो tenth house है, that is seventh from the fourth house. जो tenth house है, that is seventh from the fourth house. Fourth house आपकी mother का है, seventh house spouse का होता है, मतलब husband of the mother. तो अगर आपको father को in the role of husband of the mother देखना है, then you have to see from the tenth house. This thing should be very clear to you. Because there is always a confusion, and that this confusion still exists with everybody. कि हम father को ninth house से देखेंगे या tenth house से देखेंगे। यही है उसका simple justification कि अगर आपको उस व्यक्ति को as a, in the role of father देखना है, then you have to see from the ninth house. And if you want to see him in the role of husband of your mother, then you see from the tenth house. तो ये difference है ninth house और tenth house. दूसरा, ये जो फिफ्थ हाउस की हम बात कर रहे थे, ये पूर्व जन्म के कर्म है और नाइन्थ हाउस है इस जन्म के कर्म। तो ये जो दोनों फिफ्थ और नाइन्थ हाउस हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड विद द रिलीजन एंड द स्पिरिचुअलिटी आल्सो। फिफ्थ एंड द नाइन्थ हाउस, ये दोनों के दोनों हाउसेस जो हैं, ये हमारे
धर्म से, कर्म से, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड भी है। अगर आप टेंथ हाउस की बात करें तो ये हम इसको हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते हैं कि जहाँ तक बस वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट प्रोफेशन इन योर लाइफ, तो प्रोफेशन के बारे में जो भी चीजें हम एग्जामिन करेंगे, आपका स्टेटस, आपका पोजीशन, आपका जो भी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, आपका फेम है, आपका एमिनेंस है, व्हाट पोजीशन यू गेट, व्हाट ऑनर यू गेट फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल दोस थिंग्स वी ट्राई टू सी फ्रॉम द 10th हाउस। और फादर का मैंने बता ही दिया कि इफ यू वांट टू सी द फादर इन द रोल ऑफ हस्बैंड ऑफ द मदर, देन यू हैव टू सी फ्रॉम द 10th हाउस। तो जितने भी जो कर्म स्थान है या हाउस ऑफ प्रोफेशन है वो हम 10th हाउस से देखते हैं। फिर 11th हाउस है, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, कि आपने इस लाइफ में क्या प्राप्त किया। सेकेंडली जो 11th हाउस है उससे, जैसे 3rd हाउस से हमने छोटे भाई बहन देखे थे अपने, यंगर कोबॉर्ड, और 11th हाउस से हम देखते हैं एल्डर कोबॉर्ड, जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर पैशंस, आपकी क्या डिजायर है वो सब हम 11th हाउस से एग्जामिन करते हैं। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कहा भी कि 11th हाउस इज द एंड ऑफ द लाइफ, जैसे कि एक एक्टिविटी का एंड होता है, उसी तरह से हम 11th हाउस को मान सकते हैं कि हमारी लाइफ का एक एंड हो गया, और उस एंड के बाद हम बैलेंस शीट बनाया, हमने देखा कि हमें लाइफ में क्या प्राप्त किया, लाइफ में हमने क्या गेन किया, तो वो हम चीजें 11th हाउस से देखेंगे। एंड लास्टली वी गो टू द 12th हाउस, इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको हम व्यय स्थान बोलते हैं, इज हाउस ऑफ सेल्वेशन, हमारे दुनिया से हम चले जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं, इसको भी एक तरह का भोग का स्थान कहा, कि जैसे 8th हाउस जो होता है वो मैं भूल गया बताना आपको, दैट इंडिकेट योर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस 8th हाउस से, और 12th हाउस इंडिकेट एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स, वो रिलेशन नहीं होते बट यू आर इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स, वो हम 12th हाउस से देखते हैं। दूसरा स्लीपिंग कंफर्ट, जो आपके स्लीपिंग कंफर्ट है, शैया सुख है जो मैरिज के बाद आपको मिलता है, दैट वी सी फ्रॉम 12th हाउस। फिर आपकी जो इम्पोटेंसी है, वेनरल डिसीजेस हैं, आपकी लाइफ में जो इंटरफेरेंस होता है फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव फैमिलीज मैरिड लाइफ में, वो सारी चीजें हम 12th हाउस से एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ब्रीफ में था अबाउट द सिग्निफिकेशंस ऑफ ऑल द 12th हाउसेस। तो ये एक तरह का रिपीटेशन था, बट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट, तो हम थोड़ा सा एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट का जो एस्पेक्ट होता है वो हम कैसे उसको देखते हैं, और हर प्लैनेट जो है किस किस हाउसेस को, किस किस स्थान को देखता है। और देखिए, मैंने प्लैनेटरी कैबिनेट आपको बताया था पहले शुरू में ही, कि सन जो है वो किंग है, राजा है, मून है, क्वीन है, रानी है, मरकरी प्रिंस है, बुध जो है वो राजकुमार है, और जुपिटर और वीनस दो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं उसके प्लैनेटरी कैबिनेट के। और जुपिटर जो है वो मेन मिनिस्टर है, मतलब जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता है, विच एडवाइजेस किंग ऑन ऑल द मैटर, दैट इज वीनस। और जुपिटर का रोल लिमिटेड है, ही एडवाइजेस द किंग ओनली ऑन रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल मैटर्स। तो ये दोनों का रोल अलग अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो शनि है, और शनि एक्ट एज ए नौकर, सर्वेंट एक्चुअली। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एस्पेक्ट को याद करने की बजाय अगर थोड़ा सा समझ लें उसको, क्या उनका रोल है, तो देन द एस्पेक्ट ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। अब आप देखिए कि जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, पहली चीज तो ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो 7th हाउस है भोग का स्थान है, ये हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स है, राइट। और दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिसकी निगाह या जिसका एस्पेक्ट अपोजिट सेक्स की तरफ नहीं होता, दैट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली टू एवरीवन। तो वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है कि जो भी प्लैनेट है, आप सन से लेकर राहु केतु तक कोई भी प्लैनेट आप कंसीडर करेंगे, तो वन थिंग इज डेफिनेट कि एवरी प्लैनेट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन द अपोजिट हाउस, दैट इज द 7th हाउस, 7th पोजिशन में। हर प्लैनेट का 7th पोजिशन पर दो एस्पेक्ट होता ही है,
अपोजिट सेक्स के ऊपर उसका एस्पेक्ट होता ही है, जैसे कि नेचर है ह्यूमन बीइंग का कि वो अपोजिट सेक्स की तरफ उसकी निगाहें रहती हैं, उसी तरह से हर प्लैनेट का एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस के ऊपर तो होगा ही। अब आप कंसिडर करिए, जैसे मैंने कहा था कि सन मून मर्करी एंड द वीनस दे आर बेसिकली फ्रॉम द रॉयल क्लास, और जो रॉयल क्लास के लोग होते हैं मेरे ख्याल में उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनकी कोई ड्यूटी असाइन नहीं होती उनको, दे मेन पर्पज ऑफ टाइम इज टू एंजॉय द लाइफ, इसके अलावा कोई उनका रोल डेफिनेट रोल लाइफ में नहीं है, आप उनको किसी तरह से आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते किसी भी काम के लिए। तो ये जो चार प्लैनेट हैं सन मून मर्करी एंड द वीनस विच बिलोंग टू द रॉयल क्लास दे डोंट हैव एस्पेक्ट ऑन एनी अदर थिंग, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि दे डोंट हैव एनी अदर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर, दे आर मेनली कंसर्न्ड टू एंजॉय द लाइफ टू ओनली हैव एन एस्पेक्ट ऑन द सेवेंथ हाउस। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि इन चारों प्लैनेट का सन मून मर्करी और वीनस का शुक्र का इनका सेवेंथ हाउस के अलावा और किसी हाउस के ऊपर एस्पेक्ट नहीं होता, राइट। अब वी कंसिडर द अदर बैलेंस प्लैनेट, लेट से जुपिटर। जुपिटर मैंने कहा कि इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, और उनका सारा का सारा जो काम है या वो डिपार्टमेंट है दो वो उनको उसको देखभाल करनी है, ही इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू थिंग रिलीजन एंड द स्पिरिचुअलिटी, और उससे जो कनेक्टेड हाउसेज हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे दे आर फिफ्थ एंड द नाइन्थ हाउस। फिफ्थ और नाइन्थ हाउस हमारे धर्म से रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी से कंसर्न होते हैं, तो जुपिटर का रोल है वो, जुपिटर की डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ही विल बी क्वेश्चन्ड फॉर दैट। तो इसलिए जुपिटर का सेवेंथ हाउस को छोड़कर, सेवेंथ हाउस को तो हर प्लैनेट एस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन सेवेंथ हाउस के अलावा उसका जो एस्पेक्ट होता है अपने से फिफ्थ पोजिशन में भी होता है और नाइन्थ पोजिशन में, तो इसलिए जुपिटर का जो एस्पेक्ट हम लोगों ने कंसिडर किया दैट इज ऑन द फिफ्थ हाउस, अपने से फिफ्थ पोजिशन, सेवेंथ पोजिशन एंड द नाइन्थ पोजिशन, सो दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ जुपिटर इन एडिशन टू हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द सेवेंथ हाउस। He is directly responsible for religious and spiritual activities. इसलिए जो है जुपिटर का एस्पेक्ट कहा कि ये सातवें स्थान के अलावा अपने से पांचवें और नवे स्थान को भी एस्पेक्ट करता है। जब भी हम इन प्लैनेट को कंसिडर करेंगे हॉरोस्कोप में तो वी विल कंसिडर दीज एस्पेक्ट, जहां जुपिटर होगा वहां से पांचवी पोजिशन को देख रहा होगा, वहां से सातवीं पोजिशन को देख रहा होगा और वहां से नवी पोजिशन को भी देख रहा होगा। तो दिस इज अबाउट जुपिटर। देन यू कम टू द मार्स, मंगल। मंगल को हमने क्या कहा, सेनापति, कमांडर इन चीफ। सेनापति का रोल है, सेनापति इज नॉट टू एंजॉय, ही हैज टू डू सर्टेन ड्यूटीज, और उसका रोल क्या है कि अपने जो डोमेस्टिक शांति बनाए रखना, अपने जो स्टेट है वहां पर शांति बनाए रखना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आल्सो, ही हैज टू फेस द एक्सटर्नल एनिमीज आल्सो, कोई अटैक ना करे हमारे ऊपर तो हमने अपने कंट्री को भी उसकी सिक्योरिटी करनी है और अपने घर में भी सुख शांति बनाकर रखनी है। तो दीज आर टू डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमांडर इन चीफ, वही रोल यहाँ पर मंगल का है। और जो हम घर का हम देखते हैं जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम जो कंट्री का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होता है, दैट वी सी फ्रॉम द फोर्थ हाउस, कंट्री में जो सिक्योरिटी और सब कुछ मेंटेन करना वो फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। एंड एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी, वी ट्राई टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल, तो वही रोल यहाँ पर मंगल का है कि जो मंगल का जो एस्पेक्ट होता है सेवेंथ हाउस के अलावा फोर्थ और एट्थ पोजीशन पर भी होता है अपने से। तो जहां भी मंगल आपका प्लेस्ड होगा आपके हॉरोस्कोप में वो सेवेंथ हाउस को तो देखेगा, सेवेंथ हाउस को तो हर प्लैनेट देखता ही है, उसके अलावा अपने से फोर्थ पोजीशन को और एट्थ पोजीशन को भी एस्पेक्ट करता है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मंगल का जो एस्पेक्ट है that is fourth, seventh and the eighth aspect from its own position. Then we move to the Saturn या शनि। शनि कहा मैंने, एक नौकर है और सातवां aspect तो सब planet का है ही, उसमें तो कोई doubt नहीं है, but अगर आप नौकर की मानसिकता को देखें कि जब वो साहब के बाहर office के बाहर एक bench पर बैठा रहता है तो क्या सोचता है वो,
बहुत खुश नहीं होता साहब जो बैल बजाते हैं कि वो भागता है, वो उसके मन में वो पहले गाली देता है फिर अंदर जाता है और क्या सोचता है कि अगर मेरे अंदर भी बाहुबल होता, काश अगर मैंने भी कुछ मेहनत कर ली होती शुरू में तो मैं भी आज इसकी पोजीशन में बैठा होता। ये हमेशा हर नौकर सोचता है कि अगर काश अगर मेरे अंदर बाहुबल होता, मैंने कुछ मेहनत कर ली होती शुरू में तो आज मैं ये पोजीशन ऑक्यूपाई करता, जब वो अंदर जाता है गाली देके जो है। तो बाहुबल का जो स्थान है वो थर्ड हाउस है और कुर्सी का स्थान है वो टेंथ हाउस। तो नौकर जो है वो हमेशा बाहुबल के बारे में सोचता है और कुर्सी को ऑक्यूपाई करने के बारे में सोचता है। तो ये जो दो हाउसेस हैं दीज आर थर्ड एंड द टेंथ हाउसेस। तो इसीलिए शनि का जो एस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम द सेवेंथ एस्पेक्ट, शनि आल्सो एस्पेक्ट थर्ड पोजीशन एंड द टेंथ पोजीशन आल्सो फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन। ये सारे प्लैनेट के एस्पेक्ट हैं। और दूसरा यह है कि राहु केतु दे आर बेसिकली माइथोलॉजिकल प्लैनेट या प्लैनेट नहीं है, माइथोलॉजी से आए हैं। तो इसको हम जो है वो धर्म की तरह ही कंसिडर करते हैं, जुपिटर की तरह। तो जिस तरह से जुपिटर का एस्पेक्ट 5, 7 and 9 होता है, ऐसे ही राहु केतु का भी जो एस्पेक्ट है वो भी 5th, 7th and 9th पोजिशन को ये प्लैनेट भी एस्पेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल है एस्पेक्ट को याद करने का तरीका कि चार जो प्लैनेट हैं विच बिलोंग टू द रॉयल क्लास सन मून मर्करी एंड वीनस, दे आर मेंट ओनली टू एंजॉय द लाइफ, सो दे हैव एस्पेक्ट ओनली ऑन द अपोजिट सेक्स दैट इज द 7th हाउस। दे डोंट हैव एनी अदर रिस्पांसिबिलिटी इन देयर लाइफ। जुपिटर की रिस्पांसिबिलिटी है अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए जुपिटर जो है 7th हाउस के अलावा 5th और 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। मंगल की रिस्पांसिबिलिटी है इंटरनल पीस एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसलिए 4th और 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है। और शनि जो है वो सोचता है अबाउट द बाहुबल एंड द कुर्सी, दैट्स व्हाई शनि एस्पेक्ट 3rd and 10th हाउस। और राहु केतु को भी जो है जो जुपिटर का एस्पेक्ट है 5, 7, 9 का, वही हमने राहु केतु को भी दिया। तो राहु केतु भी जो है 5, 7, 9 हाउसेस को एस्पेक्ट करते हैं। तो ये हो गया अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ ईच प्लैनेट। अब सर व्हाट अबाउट मून? मून तो बता दिया ना मैंने, सन मून मरकरी एंड वीनस, दे ऑल बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, चार प्लैनेट। सॉरी सर, इसलिए ये इनका सिर्फ 7th हाउस एस्पेक्ट होता है और कोई एस्पेक्ट नहीं। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने हाउसेस के बारे में बात की, प्लैनेट के बारे में बात की, साइन के बारे में बात की, और मेन पर्पज हमारा क्या है कि कोई भी हमें लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन करना है तो वी हैव टू गो टू द कंसर्न हाउस, और कंसर्न हाउस में हम देखेंगे क्या पोजिशन है, हमें क्या मिलने वाला है, क्या हमें ये हाउस दे सकता है, क्या ये प्लैनेट दे सकता है, क्या ये साइन दे सकता है, व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस हाउसेज एंड द प्लैनेट्स एंड द साइंस इन आवर लाइफ। तो हर हाउस से हमने बता दिया कि ये चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम हाउस को एग्जामिन कैसे करते हैं? तो एग्जामिन का 3 चीजें होती हैं हर हाउस के साथ, कि एक तो उस हाउस में कौन से प्लैनेट है, दूसरा उस हाउस को कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट। ये तो हो गया अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट और द एसोसिएशन ऑफ प्लैनेट विद दैट हाउस। सेकंडली वी हैव टू सी द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, उस हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन सा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है मीन्स की जोडियक में क्या पोजीशन है उसकी, और किन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और किस हाउस में बैठा हुआ है। तो ये We will all examine about the lord of the sign of that particular house. और तीसरी चीज होती है about the कारक। हर हाउस का एक कारक होता है, वो बहुत important planet होता है उस house के लिए, और उस house के जितने भी matter होते हैं वो सारे उस planet से influence होते हैं, बिना उसके influence हुए हुए वो नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो planet placed है वहां पर वो sign का lord क्या है वो मैटर करेगा, और तीसरा उस हाउस का कारक क्या है, उसका जो सिग्निफिकेटर है हाउस का, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उस हाउस के ऑल द मैटर्स। तो हर हाउस का एक एक कारक होता है, तो उस कारक के बारे में हम थोड़ा सा अभी बात करते हैं कि जो फर्स्ट हाउस है जो हमारा शरीर है उसका कारक है सन। जब हम फर्स्ट हाउस को एग्जामिन करेंगे तो फर्स्ट हाउस में
प्लैनेट की पोजीशन को एग्जामिन करेंगे, उसके स्वामी को एग्जामिन करेंगे और सन की पोजीशन को भी एग्जामिन करेंगे। सन इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, कि बिना एनर्जी के हमारी बॉडी नहीं होगी आगे, तो इसलिए इन तीनों का रोल फर्स्ट हाउस को एग्जामिन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी तो कॉमन है, हाउस में कौन से प्लैनेट है, कौन से एसोसिएशन है, लॉर्ड क्या है, लेकिन कारक हर हाउस का अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट वी एग्जामिन फ्रॉम दैट हाउस। तो फर्स्ट हाउस से हमारी एनर्जी है, शरीर है, तो फर्स्ट हाउस का कारक जो है वो सन बन जाता है। तो इसीलिए जब हम फर्स्ट हाउस को एग्जामिन करेंगे, किसी की हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में एग्जामिन करेंगे, तो वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस, वी हैव टू सी द लॉर्ड ऑफ द साइन ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ सन आल्सो, देन ओनली वी कैन ड्रॉ सम इन्फ्लुएंस अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस है उसका कारक है जुपिटर, गुरु। कि जब हम सेकंड हाउस को एग्जामिन करेंगे तो साथ में गुरु को भी हमें एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके बाद हम सेकंड हाउस की पोजीशन को एसेस कर सकते हैं। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस जैसे मैंने कहा कि हमारे इनिशिएटिव है, एडवेंचर है और इन सब चीजों का प्लैनेट मंगल है, तो इसलिए मंगल को भी जो कारक कहा गया थर्ड हाउस का, जब भी हम थर्ड हाउस को एग्जामिन करेंगे तो हम पोजीशन देखेंगे प्लैनेट की, थर्ड हाउस का लॉर्ड देखेंगे और थर्ड हाउस का कारक जो मंगल है वो भी उन सब मैटर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस डोमेस्टिक कंफर्ट का हाउस है और इसका कारक जो है वो मून और वीनस है, चंद्रमा और शुक्र जो है, तो ये दोनों प्लैनेट फोर्थ हाउस के जितने भी मैटर हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए कहा कि फोर्थ हाउस के ये कारक हैं चंद्रमा और शुक्र जो है। पांचवें हाउस को जाएंगे तो पांचवें हाउस का जो कारक होता है वो भी जुपिटर होता है, गुरु होता है। तो जब हम पांचवें घर को एग्जामिन करते हैं किसी के भी, तो हम पांचवें घर में कौन से प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, पांचवें घर का लॉर्ड की क्या पोजीशन है और साथ में गुरु की भी क्या पोजीशन है, तब हम उस हाउस के बारे में एक असेसमेंट करते हैं। फिर सिक्स हाउस पर जाते हैं। सिक्स हाउस के कारक दो हैं, मंगल और शनि, मार्स एंड सैटर्न। तो ये दोनों प्लैनेट मंगल और शनि, दे इन्फ्लुएंस द अफेयर ऑफ द सिक्स हाउस। जब भी हम सिक्स हाउस को एग्जामिन करेंगे तो हम सिक्स हाउस में प्लैनेट, लॉर्ड और साथ में कारक को भी एग्जामिन करेंगे। सेवेंथ हाउस मैंने कहा कि अपोजिट सेक्स का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, मैरिज का हाउस है। तो सेवेंथ हाउस में जो कारक होते हैं वो मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। मेल का कारक, मैरिज का कारक वो वीनस है, शुक्र है, और फीमेल का मैरिज का कारक है जुपिटर। तो मेल के लिए वीनस और फीमेल के लिए जुपिटर। और जैसे मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में एक प्रिंसिपल है कि कारक भाव का नाश करता है, कारक अगर अपने भाव में बैठता है तो उसका नाश करता है। ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, ऑल्दो इट्स रिटन इन एवरी बुक, बट एज आई टोल्ड यू दैट इट्स नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। वी हैव टू सी दैट ओनली इट मे स्पॉइल और अदर आई वुड से इट विल बी अनकंसर्न्ड विद द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ दैट हाउस, अदरवाइज इट विल नॉट हार्म दैट हाउस। बट यहाँ पर सेवेंथ हाउस के लिए ये चीज पूरी की पूरी एप्लीकेबल है कि यहाँ पर तारक बैठकर मैरिज के घर को पूरी तरह से सत्यानाश कर देता है। आप किसी भी फीमेल के हॉरोस्कोप में देखिए कि अगर जुपिटर सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो मैरिज पूरी खराब हो जाएगी। किसी मेल के केस में अगर वीनस सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो मैरिज पूरी तरह से खराब कर देता है। और एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि जुपिटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट फॉर यू। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर लगन में बैठा होता है, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू गॉट फ्रॉम द गॉड एक्चुअली इन दिस लाइफ। तो ये अपोजिट चला गया बिल्कुल। हम गुरु को माथे पर रखना चाहते हैं और सेवेंथ हाउस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का हाउस है, वैसे भी जो है भोग का स्थान है, तो इसलिए जुपिटर फील्स मोस्ट अनकंफर्टेबल इन दैट हाउस कि मुझे कहाँ फंसा दिया आपने, अब निकालो मुझे यहाँ से। तो इसलिए वैसे भी जो इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, जो प्लैनेट प्रोस्पेरिटी का कारक है, और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड का भी कारक है, फिफ्थ का भी कारक है, आगे भी कारक होगा सब हाउसेस का, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और सेवेंथ हाउस में बैठकर उस प्लैनेट की पोजीशन बिल्कुल खराब हो जाती है और लाइफ में जो प्रोस्पेरिटी नाम की चीज होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिकॉज
बिकॉज जुपिटर फील्स वेरी अनकंफर्टेबल इन द हाउस ऑफ भोग स्थान में, भोग स्थान में मुझे बैठाया निकालो, तो इसलिए वो मैरिज को पूरा स्पॉइल कर देता है। और वीनस क्या है, वीनस तो अपने आप में भोग का प्लैनेट है, वो तो चाहता है भोग करना, और उसको आपने भोग के स्थान में बैठा दिया, तो ये उसका उल्टा अपोजिट है कि नाउ विद द पोजीशन ऑफ वीनस इन द सेवेंथ हाउस व्हाट विल हैपन, दैट इज द एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, भोगों की अधिकता, उस व्यक्ति का एक आदमी से काम नहीं चलेगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दैट भोग एक्चुअली, बिकॉज उसको तो सारा मस्ती की जगह बैठा दिया उसने, आपने उसको जो है, तो नेचुरली मैरिज को पूरा खराब कर देगा। तो इसीलिए जुपिटर और वीनस के बारे में कहा गया कि जो कारक भाव का नाश करता है वो पूरी तरह से, जो ये एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल है, इज फुली एप्लीकेबल इन द सेवेंथ हाउस ओनली, जहां पर जुपिटर और वीनस बैठकर मैरिज को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और मैंने कहा कि जुपिटर का स्थान भी ठीक नहीं है वैसे भी, तो इसलिए जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जो प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी है, वो प्लैनेट यहाँ बैठकर बिल्कुल खराब हो जाता है और लाइफ में प्रोस्पेरिटी नाम की चीज खत्म हो जाती है। तो इसलिए सेवेंथ हाउस में कभी भी हम नहीं कहते कि जुपिटर किसी का होना चाहिए, मैरिज के बाद अगर छोड़ भी दें अगर आप, तो वैसे भी सच एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कि उसकी पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, और जुपिटर जो है वो भोग की अधिकता हो गई, तो इसलिए वो भी जो है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज को स्पॉइल करता है, मैरिज को खराब करता है। बट मैरिज में ये तो कारक हो गया मैरिज का, जनरल मैरिज का, बट मैरिज के अंदर सेक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो सेक्स का कारक अलग है, वो भी डिफरेंट इन द केस ऑफ मेल एंड द फीमेल। मेल के केस में सेक्स का कारक है वीनस, शुक्र, और फीमेल के केस में सेक्स का कारक है वीनस, सॉरी मेल के केस में वीनस है और फीमेल के केस में मार्स है। सेक्स का कारक मेल के केस में वीनस होता है और फीमेल के केस में मंगल होता है, मार्स होता है। तो जब भी आप मैरिज को एग्जामिन करेंगे तो यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द सेवंथ हाउस, यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द सेवंथ हाउस, एंड यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ कारकास फॉर द मैरिज एज वेल एज द सेक्स एक्सपर्ट, तो ये आपको एग्जामिन करने पड़ेगा। अब एट्थ हाउस की तरफ चलते हैं। एट्थ हाउस लॉन्गेविटी का हाउस है और ये कहा कि जो लॉन्गेविटी का कारक होता है वो सैटर्न होता है, शनि, शनि गिव्स यू द लॉन्गेविटी, तो इसलिए एट्थ हाउस का कारक शनि को माना गया। और जिसके भी एट्थ हाउस में शनि होता है, जैसे कहते हैं नाश करता है, यहाँ भी नाश नहीं करता और आपको लॉन्गेविटी ज्यादा देता है। और शनि को ये भी कहा कि शनि इज ए लेम प्लैनेट, लंगड़ा प्लैनेट है। लंगड़ा प्लैनेट होने का मतलब ये है कि शनि जो है इट ट्राइज टू एडवर्सली अफेक्ट योर मोबिलिटी, आपका जो चलना फिरना है, घूमना फिरना है, उसके ऊपर उसका डायरेक्ट एडवर्स इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब शनि की दशा शुरू होती है या शनि का कोई खराब ट्रांजिट होता है तो आपका, आप बिस्तर पर आ जाते हैं, आपका चलना फिरना बंद हो जाता है या चलने फिरने में आपको बाधा होने लगती है। तो शनि का ये रोल है, शनि लॉन्गेविटी तो देता है बट एज वी सी इज अ लेम प्लैनेट, आपको लंगड़ा बना के लॉन्गेविटी देता है, मतलब आपको बिस्तर पर लेटा कर लॉन्गेविटी देता है, चल फिर कर नहीं मिलेगी लॉन्गेविटी, आपको बीमार कर देगा लेकिन मरने में नहीं देगा, ये रोल है, वो आपको समझना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं नाइन्थ हाउस के ऊपर। नाइन्थ हाउस का ऑब्वियसली जो कारक है दैट इज जुपिटर, वो जुपिटर जो है नाइन्थ हाउस के जितने भी हमारे मैटर हैं उसको गवर्न करता है, उसका सिग्निफिकेटर है, तो इसलिए नाइन्थ हाउस को जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो वी आल्सो सी द पोजीशन ऑफ जुपिटर। नाउ टेंथ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर प्रोफेशन, वो आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्रोफेशन। उसके कारक क्या है, प्रोफेशन के कारक आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे, और एक बार आपको माइंड में हर प्लैनेट का रोल क्लियर हो जाएगा देन प्रोफेशनल एस्पेक्ट यू कैन एग्जामिन वेरी वेल वेरी विद जस्ट विद द कॉमन सेंस। कौन सा कारक होगा, कर्म का, एक कर्म स्थान है हमारा प्रोफेशन जो है हम उसको कर्म बोलते हैं, तो कर्म स्थान। और मैंने कहा था कि शनि आपको कर्म करने के लिए बाध्य करता है, कर्म जो आप बिस्तर से नहीं उठेंगे जब तक शनि की ब्लेसिंग नहीं होगी, आप बिल्कुल सुस्त होकर बिस्तर पर पड़े रहेंगे, आपकी कोई इच्छा नहीं होगी काम करने की। तो इसलिए जो कर्म के लिए आपको इनिशिएट करता है,
कर्म कहने की आपके अंदर इच्छा जागृत करता है, जो कर्म करने के लिए आपको बाध्य करता है, दैट प्लैनेट इज शनि। शनि के बिना ब्लेसिंग के आप काम नहीं करेंगे। तो जब तक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपको काम करने के लिए आपको उकसाया कि आप काम करिए, आपका कुछ रोल है, आपकी ड्यूटी है, आपको काम करना है, आपको बिस्तर पर लेटने का नहीं, आपको काम करना है। तो शनि ने आपसे काम कराना शुरू किया, आपने कुछ काम करना शुरू किया। तो ये शनि बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कारिका फॉर द हाउस ऑफ प्रोफेशन। अब काम करने से तो काम नहीं चलता। एक स्टेशन पर खुली देखते होंगे, लेबर क्लास भी है, एक हम लोग भी है, दोनों में एक डिफरेंस है। वो व्यक्ति जिंदगी भर एक कोई काम कर रहा है कुली का, उसने शनि ने उसको बाध्य तो कर दिया काम करने के लिए, बट ही इज नॉट एबल टू मूव, ही इज नॉट एबल टू ग्रो। तो ग्रो करने के लिए कौन सा प्लैनेट है, हम उसमें और हमारे अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली अबाउट वन थिंग, वी हैव इंटेलिजेंस एंड ही इज नॉट यूजिंग द इंटेलिजेंस। तो जैसे ही हम प्रोफेशन में इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब तक हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं करेंगे, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जिंदगी भर आप बोझा ढोते रहिए, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये इंटेलिजेंस का प्लैनेट कौन सा हुआ? मरकरी, बुध हुआ। तो नाउ द रोल ऑफ मरकरी कम्स इन द प्रोफेशन। अगर आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है, देन यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ प्लैनेट मरकरी। तो इसलिए मरकरी बिकम्स द सेकंड कारक ऑफ प्रोफेशन। देखिए, एक तो शनि ने तो आपको काम करने के लिए बाध्य किया कि आप काम करिए, लेकिन काम करने के बाद जैसे ही आपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, आपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, देन यू स्टार्ट मूविंग अहेड। नहीं तो आप उसी स्थान पर रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेबर क्लास है तो जिंदगी भर ही बोझ होते हैं। ऐसे लोग हैं जो उससे आगे नहीं बढ़े आज तक जो है, और लास्ट तक उन्होंने वही काम किया। लेकिन हम लोगों ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, मरकरी हमारे लिए एक रोल प्ले किया उसने, जिससे हमने अपनी एक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाया, अपने काम को आगे बढ़ाया। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए प्रोफेशन में? आपने बिकम वेरी क्रिएटिव, यू बिकम वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड पेंटर, वेरी गुड राइटर, वेरी गुड मैकेनिक, बट नाउ व्हाट यू वांट? आपने बहुत लोग देखे होंगे रिमोट एरियाज में, हम सुनते भी हैं, टीवी पर देखते हैं, वैसे भी सुनते हैं, बहुत अच्छा पेंटर है वहाँ पर, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा मैकेनिक है, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ही इज नॉट वेल ऑफ, उसके पास मकान नहीं है रहने के लिए, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दे आर डूइंग सच ए गुड वर्क बट दे डोंट हैव इवन मनी टू सर्वाइव। आजकल के टाइम में एवरीबडी टॉक्स अबाउट द पैकेज, कितना पैकेज मिल रहा है आपको। आप जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो कितनी इनकम होगी जब मैं शुरू करूंगा बिजनेस। तो मनी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पैकेज की बात या अर्निंग की बात हम करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वो जो एक हम इफ यू एक्सप्लेन दैट इन वन वर्ड, दैट इज प्रोस्पेरिटी। इट मीन्स द प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन विल नॉट कम अनलेस यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ प्लैनेट जुपिटर। तो अब जुपिटर का रोल आ गया प्रॉस्पेरिटी में, कि जब तक जुपिटर का रोल नहीं होगा, जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कितने भी बड़े आर्टिस्ट बन जाइए, कितने भी बड़े पेंटर बन जाइए, कितनी भी किताबें लिख दीजिए, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो जुपिटर प्लेस इट्स ओन रोल, इट गिव्स प्रॉस्पेरिटी इन द प्रोफेशन विच एवरीबडी थ्राइव्स फॉर। हम लोग सब उसी के लिए काम करते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए, और जितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी वही हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। अब जुपिटर ने अपना रोल प्ले कर दिया। तीनों प्लैनेट का देखिए अलग अलग रोल है, और ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि प्रोफेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें कहीं किसी आपको बुक में नहीं मिलेंगी एक्सप्लेन की हुई। जो है शनि ने रोल किया, आपको कर्म करने के लिए बाध्य किया। मरकरी ने क्या किया, आपको आपका जो इंटेलिजेंस है उसको इन्वॉल्व किया उसके अंदर, और इंटेलिजेंस का इन्वॉल्व करने के बाद आपने कुछ काम किया ऐसा कि आपके वर्थ जो है आपकी इम्प्रूव हुई। उस वर्थ को कैश करने के लिए, उस वर्थ का आपको बेनिफिट मिले, उससे आपको फायदा हो, उसके लिए फिर जुपिटर का रोल जो है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए थर्ड जो कारक हुआ प्रोफेशन का, दैट इज जुपिटर।
उसके बाद हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि खासतौर से मारवाड़ी लोग होते हैं, उनके बहुत पैसा होता है, बोरियों में पैसा भर के ले जाते हैं. इट मीन्स दे हैव गुड सैटर्न, दे हैव गुड मरकरी, दे हैव गुड जुपिटर आल्सो, बट कोई उनको जानता नहीं है. नोबडी इन द वर्ल्ड नोज देम एंड नाइदर दे वांट दैट समबडी शुड नो देम. ऐसे बहुत से लोग हैं कि बहुत पैसा है, सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी है, इंटेलिजेंस है, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट नोबडी इन द वर्ल्ड नोज देम. एक आदमी होता है कि एक गाना गाता है, पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है. और हम लोग प्रोफेशन में तो करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? एम तो यही होता है कि अल्टीमेटली हमको फेम मिले, नेम मिले, एमिनेंस मिले, हम दुनिया में फेमस हो जाए, हमारा टीवी पर इंटरव्यू आए, हमारा मैगजीन में इंटरव्यू आए, हमारा न्यूज पेपर पर इंटरव्यू. सो एवरीबडी थ्राइव्स फॉर फेम एंड एमिनेंस इन द लाइफ, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी प्रोफेशन. और वो जब भी मिलेगा किस प्लैनेट से? सन से. जैसा जानते हैं कि सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेम एंड एमिनेंस इन द लाइफ, स्टेटस इन द लाइफ. तो ये तीनों चीजें जो हैं बिना सन की ब्लेसिंग से नहीं मिलेगी. तो इसीलिए ये चार प्लैनेट हैं जिनको हमने प्रोफेशन का कारक कहा, कि पहला शनि जिसने आपको काम कराया, दूसरा मरकरी जिससे आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तीसरा जुपिटर है उसको आपने कैश किया, और चौथा अगर आपको फेम मिलना है दुनिया में या सोसाइटी में या कंट्री में, तो ये जरूरी है कि सन जो है वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए. बिना सन की ब्लेसिंग के आपको फेम नहीं मिलेगा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर चारों प्लैनेट को आप देखें अपने हॉरोस्कोप में, तो यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द प्रोफेशन. पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली चीज. जुपिटर अगर आपका खराब है तो हो सकता है आपको फेम भी मिल जाए, सन आपका अच्छा हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा. सन अगर खराब है तो कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपको कोई जानेगा नहीं. और मरकरी मान लीजिए खराब है, बट जुपिटर एंड सन आर वेरी वेल प्लेस्ड. तो ऐसे लोग भी हैं जो बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जिन्होंने, लेकिन दे गॉट लॉट ऑफ मनी, दे गॉट लॉट ऑफ फेम आल्सो. आप बहुत सारे हैं दिल्ली में कि कोई समोसे वाला है, कोई छोले भटूरे वाला है, एंड दे आर अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली, एंड पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरे देश विदेश से लोग उनके छोले भटूरे खाने आते हैं. तो ये मरकरी आपका ठीक नहीं है, बट जुपिटर एंड वीनस दे आर वेरी वेल प्लेस्ड. तो ये अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग रोल है प्रोफेशन में, लेकिन प्रोफेशन के ये चारों प्लैनेट कारक माने गए हैं. तो इसलिए जरूरी है कि आप इन चारों प्लैनेट की पोजीशन एग्जामिन करें, देन यू कैन टेल एनीबॉडी कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द प्रोफेशन. आपको नाम मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे, आप मेहनत करोगे या नहीं करोगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप दैट ये क्लियर है आपके पास. तो ये जब चारों चीजें आपको इनका रोल समझ में आ जाएगा, तो प्रोफेशन को एग्जामिन करना बहुत आसान हो जाएगा. फिर आप किसी को भी देख के बता सकते हैं. बहुत से लोग आते हैं कि फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप सन की पोजीशन देख लीजिए, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, जुपिटर की पोजीशन देख लीजिए. तो इस तरह से आप इसको प्रोफेशन को एग्जामिन कर सकते. देन वी मूव टू द 11th हाउस. 11th हाउस मैंने कहा कि गेन का हाउस है, आपके एल्डर कुबर्न का हाउस है, और इसका जो कारक है जुपिटर होता है 11th हाउस का. तो हम जब भी हम 11th हाउस को एग्जामिन करेंगे, तो प्लैनेट देन लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एज वेल एज द कारक ऑफ द 11th हाउस व्हिच इज जुपिटर. देन 12th हाउस, 12th हाउस का जो कारक है वो शनि है. तो शनि जो है कारक हो जाता है 12th हाउस को. जब भी हम 12th हाउस को एग्जामिन करते हैं तो शनि उसका जो कारक बन जाता है. तो इस तरह से आपने देखा कि हर हाउस का एक प्लैनेट कारक है. और जहां तक शनि का सवाल है, शनि इज द कारक ऑफ ऑल द थ्री त्रिक हाउसेस, 6, 8, 12 का, तीनों हाउसेस का कारक है शनि 6, 8, 12 का. और जुपिटर जो कारक है वो सेकंड हाउस का कारक है, देन फिफ्थ हाउस का कारक है, देन सेवेंथ हाउस का कारक है, फिर 9th हाउस का कारक है, 10th हाउस का कारक है, और 11th हाउस का भी कारक है. तो इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्लैनेट जुपिटर इन योर लाइफ. तो जुपिटर का जो बेस्ट मतलब यूज अगर आपको मिल रहा है, जुपिटर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो यू आर द मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड एक्चुअली. और जैसे मैंने कहा कि जुपिटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, दैट इज इन द फर्स्ट हाउस. और
फर्स्ट हाउस में होने से जो तीनों त्रिकोण स्थान है 159 जो प्रोस्पेरिटी के हाउसेस हैं, क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है फिफ्थ हाउस के ऊपर होता है और नाइन्थ हाउस के ऊपर भी होता है, इसलिए तीनों जो हाउसेज ऑफ प्रोस्पेरिटी है उसको कवर करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, तो इट गिव्स यू प्रोस्पेरिटी अलोन इन द लाइफ, हर तरह से प्रोस्पेरिटी देता है, तो इसलिए जुपिटर जो है बेस्ट पोजिशन जो है वो हमने कहा कि लगन में। इसके बाद जो हम लोग जब क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे हाउसेस का, देन वी सॉ धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, और हमने देखा था कि जो मोक्ष के स्थान है वो फोर्थ हाउस है, एट्थ हाउस है और ट्वेल्थ हाउस, मोक्ष के स्थान फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, और जुपिटर जब मोक्ष का ही कारक भी है, जुपिटर को हमने मोक्ष का कारक भी माना, तो जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में बैठता है, जुपिटर जब भी फोर्थ हाउस में बैठता है तो फोर्थ हाउस में बैठकर ये एट्थ हाउस को भी देखता है और ट्वेल्थ हाउस को भी देखता है, इसका मतलब तीनों मोक्ष स्थानों को कवर करता है, तो इसीलिए जुपिटर की सेकंड बेस्ट पोजीशन मानी गई इन द फोर्थ हाउस, वेयर इट हैज एन एसोसिएशन विद ऑल द थ्री मोक्ष स्थानस फोर्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउसेस, और ये जो फोर्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर द हाउसेज ऑफ योर ऑनर ऑल्सो, लाइफ में कोई आपके अंदर एलिगेशन तो नहीं लगेंगे, लाइफ में कोई बदनामी तो नहीं होगी, लाइफ में आपको ऑनर एंड रेस्पेक्टफुल रहेगी या नहीं रहेगी, वो हम इन्हीं हाउसेस देखते हैं 4, 8 and 12, तो जब भी जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में होता है तो आपको लाइफ में ऑनर ही मिलता है, कोई बदनामी नहीं होती, कभी भी बदनामी का डर नहीं होता या कभी आपके ऊपर गलत एलिगेशन भी नहीं लगते, तो इसलिए सेकंड बेस्ट पोजीशन जो है जुपिटर की फोर्थ हाउस में मानी गई है, जहां से ये एट्थ हाउस को भी देखता है और ट्वेल्थ हाउस को भी देखता है। अब ये तो हो गया अबाउट द कारक फॉर ईच हाउस, और उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू वेरी टेक्निकल नाउ, कि हम हर प्लैनेट की और हर साइन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है विच आई थिंक all of you should know because now you have joined this class, कि आपसे लोग पूछना भी शुरू कर देंगे कि आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा, तो जब किसी का भी बर्थ होता है तो जल्दी से जो फैमिली के लोग आते हैं कि जल्दी से पूछ के आओ एस्ट्रोलॉजर से कि किस पाए में बर्थ हुआ है, इमीडिएट क्वेश्चन इज कि जैसे मैंने कहा कि मरने के टाइम हम पंचक की बात करते हैं कि पूछो पंचक तो नहीं चल रहे, इसी तरह से जब किसी का बर्थ होता है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं पूछने के लिए कि पूछ कर आओ कि बर्थ किस पाए में हुआ है, पाया इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली, एंड आजकल के टाइम में तो नहीं लेकिन पहले टाइम में पाए को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आजकल तो बुक्स में पाए का मेंशन भी नहीं होता, बट इवन देन क्योंकि लोग पूछेंगे आपसे इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, पाया इज नथिंग बट द पोजिशन ऑफ मून इन योर बर्थ चार्ट, Paya is only the position of moon in your birth chart. Moon आपका birth chart में कहां पर उसका placement है? और moon मैंने कहा का moon is your mind, moon is your mental strength, moon is your mental capability. और कहते हैं कि life में हम ये सोचें कि परेशानियां नहीं आएंगी, ये सब बेवकूफी, हमारी life में तो इस बोला problem only, problem के अलावा कुछ नहीं है, हमें उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना है, एंड दैट इज द मेन एम ऑफ द लाइफ, तो कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते और कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, कोई भी एडवर्स सिचुएशन अगर आती भी है तो उसको अच्छी तरह से फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अगर वो हमारी मून की पोजिशन, हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है तो एक ये इन्फ्लुएंस हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यू कैन फेस एनी इवेंचुअलिटी इन द लाइफ, कोई भी अगर एडवर्सिटी होगी तो उसको आप फेस कर पाएंगे, तो दैट इज द पोजीशन ऑफ मून। तो ये पाए चार तरह के होते हैं, एक चांदी का पाया, एक कॉपर का पाया, तांबे का पाया, एक सोने का पाया, एक लोहे का पाया, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड आयरन। तो ये कहा गया कि अगर मून आपके सेकेंड, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में प्लेस होता है, मून जब भी आपके हॉरोस्कोप में सेकंड, फिफ्थ या नाइन्थ हाउसेस, नॉट साइन, सेकंड, फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उस मून की पोजीशन को अच्छा माना गया,
और ये कहा गया कि जिस बच्चे का मून सेकेंड फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में प्लेस होता है तो दैट बॉय दैट चाइल्ड इज बॉर्न विद द सिल्वर पाया. और अगर मून का प्लेसमेंट 1, 6, 11 हाउसेज में होता है, फर्स्ट में, सिक्स हाउस में या इलेवेंथ हाउस में होता है, तो उसको हमने कहा कि बर्थ इज एन कॉपर पाया, तांबे के पाए में बर्थ हुआ है. और अगर मून 3, 7 और 10th हाउस में होता है, 3rd, 7th या 10th हाउस में होता है, तो हम कहते हैं कि बर्थ इज विद द गोल्डन पाया, सोने के पाए में बर्थ हुआ है. और अगर मून 4th, 8th या 12th हाउस में होता है तो हम कहते हैं कि जो बर्थ है वो लोहे के पाए में हुआ है, आयरन पाए में हुआ है. तो इस तरह से चार पाए हो गए. और पाए का जो मतलब है, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इज नथिंग बट सिंपल द पोजिशन ऑफ मून इन ए पर्टिकुलर हाउस. और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ये बड़ा एक रॉ टाइप का या बड़ा प्रिलिमिनरी टाइप का कंसेप्ट है, क्योंकि जस्ट बाय वर्चू की मून एक पर्टिकुलर हाउस में प्लेस्ड है, यू कैन नॉट से दैट मून इज स्ट्रॉन्ग और वीक. हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें टोटलिटी मून की पोजीशन को एग्जामिन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द मेंटल फैकल्टी ऑफ अ पर्सन. एक खाली कहना कि एक हाउस में है, तो इसीलिए मेरे ख्याल में आजकल हम इसको बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं देते. आजकल की बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं होता है, बट क्योंकि लोग आपसे पूछते हैं तो पर्पज इज जस्ट टू टेल यू सो दैट यू कैन आंसर देयर क्वेश्चंस. ये चार पाए हो गए, चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया और लोहे का पाया. और जो मून की मेटल है वो सिल्वर है, चांदी है, तो इसलिए जो चांदी का पाया है उसको बेस्ट माना गया. चांदी का अगर पाए में बर्थ हुआ है तो दैट इज द बेस्ट पाया. और अगर आप किसी भी पेरेंट को आप बता दीजिए कि योर चाइल्ड इज बॉर्न इन द सिल्वर पाया, सो ही फील सो हैप्पी, ही विल नॉट आस्क यू एनी अदर क्वेश्चन बिकॉज ही फील सो हैप्पी कि कोई ठीक है, इट्स वंडरफुल थिंग. अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फेस कर लेगा, और क्या चाहिए हमको. फिर चांदी के बाद तांबे का पाया होता है सेकेंड इन बेस्ट पोजिशन में, और उसके बाद सोने का पाया होता है, और लास्ट में होता है लोहे का पाया. तो इसलिए लोहे के पाए को सबसे खराब माना गया. और इसीलिए जब हम कहते हैं कि किसी का बर्थ लोहे के पाए में हुआ है तो दैट इज रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न, यूज्ड टू बी कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द पेरेंट, जब लोग नेचुरली परेशान होते हैं. तो ये चारों पाए हैं जो आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लोग ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं. जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो नेचुरली वो सबको पता लगता है, तो अड़ोसी पड़ोसी सब आपके पास आने लगते हैं, और ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. अब मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा स्क्रीन. You already discussed benefic and malefic planet, Lord, हम लोगों ने discuss कर लिए हैं. अब now we have to see ultimate concern हमारा क्या है. Ultimate concern यही है कि हमें पता होना चाहिए कि जो planet की position है आपके horoscope में वो कैसी है, अच्छी है, खराब है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है. यहाँ पर astrology में हम position को indicate करते हैं zodiac में. एक हर प्लैनेट का एक उच्च का स्थान होता है जिसको हम कहते हैं एग्जॉल्टेशन साइन, मतलब दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट. अगर प्लैनेट कोई भी अपने उच्च की राशि में है या एग्जॉल्टेशन साइन में है तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट. इसी तरह से अगर प्लैनेट की उच्च की राशि के साथ एक नीच की राशि भी होती है जिसको हम कहते हैं डेबिलिटेशन साइन, तो अगर डेबिलिटेशन साइन में है दैट इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट. फिर होता है कि अपने साइन, हर प्लैनेट एक्सेप्ट सन एंड मून ही वांट्स टू साइन. तो अगर प्लैनेट अपने साइन में होता है, मतलब जैसे मंगल है तो 1 या 8 नंबर साइन में होगा तो हम कहेंगे अपने साइन में है. वीनस अगर 2 या 7 नंबर साइन में होगा तो हम कहेंगे अपने साइन में है. मून अगर 4 नंबर साइन में होगा तो हम कहेंगे अपने साइन. तो हर 2 साइन में एक
एक साइन जो है इज मोर पावरफुल देन द अदर साइन. तो ये जो पावरफुल साइन होता है उसको हम कहते हैं मूल त्रिकोण स्थान, मूल त्रिकोण साइन, मूल त्रिकोण राशि. तो ये चार चीजें हो गई व्हेन वी आर गोइंग टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट. चार चीजें हो गई. पहला एग्जॉल्टेशन साइन, दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट इन द ज़ोडियक, कि उच्च की राशि में है तो उसकी बेस्ट पोजीशन. सेकंड बेस्ट पोजीशन होती है व्हेन द प्लैनेट इज इन द मूल त्रिकोण साइन. जो दो साइन है उसमें से एक साइन जो मूल त्रिकोण हम साइन बोलते हैं उसमें होता है, देन दैट इज सपोज टू बी सेकंड बेस्ट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट. थर्ड होता है अपने साइन में, अगर मूल त्रिकोण साइन के अलावा जो दूसरा साइन है उस साइन में होगा तो हम कहेंगे प्लैनेट इज इन इट्स ओन साइन, तो वो थर्ड बेस्ट पोजीशन हो गई. और जो अगर डेबिलिटेशन साइन में या नीच की राशि में होता है तो दैट इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट. तो ये हमें अब देखना है कि हर प्लैनेट का उच्च की राशि क्या है, एग्जॉल्टेशन साइन क्या है, नीच की राशि क्या है, डेबिलिटेशन साइन क्या है, मूल त्रिकोण साइन क्या है और अपना साइन आप ऑलरेडी जानते हैं. तो अगर हम स्टार्ट करें सन से, तो सन को कहा कि उसकी जो एग्जॉल्टेशन साइन है वो मेष राशि होती है, मतलब एरी साइन होता है. एरी साइन में सन इज सपोज टू बी द इन द बेस्ट पोजीशन. अगर सन किसी का भी एक नंबर राशि में है तो इसका मतलब दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द सन. और इसके अपोजिट वाला साइन वो उसकी नीच राशि होती है. तो एक नंबर के जो अपोजिट राशि होगी वो सात नंबर होगी या तुला राशि होगी या दिव्य साइन होगा, वो उसकी नीच राशि बन जाती है. और अगर हम एग्जैक्ट एग्जॉल्टेशन या डेबिलिटेशन पॉइंट देखें तो दैट इज एट ए पर्टिकुलर डिग्री. मतलब एरी साइन में भी अगर सन 10 डिग्री का है दैट इज द बेस्ट योर एग्जैक्ट एट द एग्जॉल्टेशन पॉइंट और एग्जैक्टली एट द डेबिलिटेशन पॉइंट, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा. तो एग्जॉल्टेशन भी किसी भी प्लैनेट का एक पर्टिकुलर डिग्री पर होता है. प्लैनेट जब एक पर्टिकुलर साइन में एक पर्टिकुलर डिग्री पर होता है तब हम कहते हैं कि द प्लैनेट इज एग्जैक्टली एट द एग्जॉल्टेशन पॉइंट या एग्जैक्टली एट द डेबिलिटेशन पॉइंट. ये सन का जो एग्जॉल्टेशन पॉइंट है नंबर वन राशि एरीज साइन, डेबिलिटेशन पॉइंट है लिब्रा या तुला राशि, और एग्जैक्टली 10 डिग्री पर ये उच्च या नीच का होता है. और इसका जो मूल त्रिकोण साइन है वो लियो साइन है, जो उसका अपना साइन भी है. तो सेकंड बेस्ट पोजीशन जो है वो मूल त्रिकोण साइन में. और मूल त्रिकोण साइन में भी जो अगर 0 से 20 डिग्री का होता है तब हम कहते हैं कि एग्जैक्टली जो है मूल त्रिकोण राशि में है, एग्जैक्टली वो उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल है. इसी तरह से चंद्रमा मून, इसको टॉरस साइन में या वृष राशि में उच्च का माना गया, और इसके अपोजिट वाली राशि जो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि होती है वहां पर उसको नीच का माना गया. और जो एग्जैक्टली जो डिग्री है उच्च या नीच की वो 3 डिग्री का है, 3 डिग्री पर होती है. और इसका मूल त्रिकोण साइन जो है वो टॉरस है, टॉरस ही उसका मूल त्रिकोण साइन भी है. और उसकी जो डिग्री है 4 से 20 डिग्री के बीच में अगर होता है देन एग्जैक्टली वी सी दैट इट इज मूल त्रिकोण साइन. मंगल है, मंगल की जो उच्च की राशि है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, 10 नंबर की राशि है, और नीच की राशि उसके अपोजिट है दैट इज कैंसर साइन और साइन नंबर 4. और एग्जैक्ट जो डिग्री है उच्च या नीच की दैट इज 28 डिग्री. और जो मंगल है वो अपनी एक राशि में एरी साइन में उसको हमने मूल त्रिकोण राशि मानी एंड दैट इज फ्रॉम 0 टू 12 डिग्री. फिर मरकरी है, बुध, बुध को कहा कि जो वर्गो साइन में है या कन्या राशि में उसको उच्च का माना गया, और पाइसेस साइन में या मीन राशि में उसको नीच का माना गया. और उच्च नीच की जो एग्जैक्ट डिग्री है दैट इज 15 डिग्री. और इसका जो मूल त्रिकोण साइन है वो इट इज 6 साइन वर्गो साइन, और जो दो साइन है इसके जैपनी अंडर वर्गो, सो वर्गो इज द मूल त्रिकोण साइन इज बेटर देन साइन नंबर 3. तो वो मूल त्रिकोण साइन में आया और उसकी जो डिग्री है दैट इज 16-20 डिग्री. जुपिटर है, जुपिटर मार्स का बिल्कुल उल्टा है. जुपिटर वो है कैंसर साइन में या 4 नंबर साइन में उच्च का माना गया, और कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर साइन में या 4 नंबर राशि में नीच का माना गया. और उच्च और नीच राशि की जो डिग्री है दैट इज 5 डिग्री. और जो जुपिटर की दो राशियां हैं उसमें से जो सेकेटेरियस राशि है धनु राशि है या साइन नंबर 9 है उसको हमने उसका मूल त्रिकोण साइन माना,
और मूल त्रिकोण साइन भी जीरो से 10 डिग्री के बीच में होता है। शुक्र है विनस, ये बिल्कुल मरकरी का उल्टा है कि इसको हमने उच्च राशि, इसकी पाइसेस है, मीन राशि है, 12 नंबर राशि है, और नीच राशि जो है वो वर्गो है, कन्या है, 6 नंबर राशि की है, और ये एग्जैक्टली एट 27 डिग्री इट बिकम्स एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड आल्सो। और इसकी जो दो राशियां हैं उसमें से लिब्रा जो राशि है, 7 नंबर जो राशि है, तुला राशि है, उसको हमने मूल त्रिकोण का साइन माना, और दैट मूल त्रिकोण साइन वेरीज फ्रॉम 15 डिग्री। शनि है, शनि इज जस्ट द रिवर्स ऑफ सन, सन का जो उच्च का साइन है वो इसका नीच का साइन बन जाता है, तो इसलिए शनि का जो उच्च का साइन है वो लिब्रा है, तुला है, साइन नंबर 7 है, और नीच का साइन इसका मेष राशि है, और एग्जैक्टली जो डिग्री है वट इज 20 डिग्री। एंड आउट ऑफ द टू साइन दैट इज कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, जो शनि है एक्वेरियस साइन, उसको मूल त्रिकोण साइन माना, और मूल त्रिकोण साइन में भी 0 से 20 डिग्री का अगर है तो देन एग्जैक्टली इट इज एट मूल त्रिकोण साइन। इसके बाद हर प्लैनेट की डायरेक्शन होती है, जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं कि शादी किस स्थान में होगी, आप किस स्थान में ट्रेवल करोगे, आपका प्रोफेशन किस डायरेक्शन में होगा, सो ऑल दोस थिंग्स वी एग्जामिन विद द डायरेक्शन ऑफ ईच प्लैनेट। और जो डायरेक्शन है प्लैनेट की, मरकरी की नॉर्थ होती है और मार्स की साउथ है, सन की ईस्ट है और सैटर्न की वेस्ट डायरेक्शन है, और बाकी डायरेक्शन भी मून की नॉर्थ वेस्ट है, जुपिटर के केतु की नॉर्थ ईस्ट है, और राहु एंड साउथ वेस्ट है, और वीनस जो है वो ईस्ट एंड साउथ है, साउथ ईस्ट है। तो ये हर प्लैनेट की डायरेक्शन है, ये आपको काम आएगी आगे जब भी हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। देन वी see the nature of different planets, how they, what is the basic nature of those planet. तो उसमें कहा कि जो तीन planet हैं, sun, moon और jupiter, ये सात्विक nature के हैं। सात्विक का मतलब समझते हैं, सात्विक means के all good only, nothing bad about them. तो ये इनका जो basic nature है, सात्विक nature के हैं, sun, moon and jupiter. और ये राजसिक होते हैं, वो mercury और Venus है, राजसिक मीन्स के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड आल्सो, तो ये राजसिक नेचर हो गई प्लैनेट की, मरकरी और वीनस की। और जो मंगल और शनि है वो रियली दे आर तामसिक, तामसिक मीन्स ऑल बैड क्वालिटीज ओनली, तो वो उनका नेचर है ये सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके बाद हमने प्लैनेट को कहा, कुछ प्लैनेट को सुपीरियर प्लैनेट कहा, कुछ को इंफीरियर प्लैनेट। ये इनको हम इनर एंड आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, कि जो इंफीरियर प्लैनेट होते हैं उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, और जो सुपीरियर प्लैनेट होते हैं उनको आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके बुक्स में रेफरेंस आएगा इनर और आउटर प्लैनेट का, या इंफीरियर या सुपीरियर प्लैनेट का। तो जो प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में होते हैं उनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, मरकरी और वीनस, और जो आगे होते हैं मतलब उसको हम कहते हैं मार्स, जुपिटर एंड सेटर, सोलर सिस्टम। और इनको इंफीरियर और सुपीरियर हमने क्यों कहा? इंफीरियर हमने इसलिए कहा कि जो मरकरी और वीनस हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो इनका एक रेस्ट्रिक्शन है, मरकरी कैन नॉट मूव अवे अबव 27 डिग्री फ्रॉम द सन। सन और मरकरी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी ओनली 27 डिग्री। सिमिलरली द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द वीनस कैन बी 47 डिग्री। तो ये इनकी एक लिमिटेशन है, एक फाउंडेशन है, उससे आगे मूव नहीं कर सकते सन से। इसलिए हमने कहा कि इंफीरियर प्लैनेट, बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंफीरियर प्लैनेट। और बाकी जो प्लैनेट हैं, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, दे आर फ्री टू मूव एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसलिए हमने इनको सुपीरियर प्लैनेट कहा, क्योंकि वो फ्री है किसी भी स्थान पर मूव करने के लिए, वो सन से कितने भी दूर पर मूव कर सकते हैं। इसके बाद ये हर प्लैनेट का कैबिनेट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, और यहाँ पर कुछ सेंसेस है, मेटल है, एलिमेंट है, ये भी हम कर लेते हैं। सन जैसे मैंने कहा किंग है, और ये हमारे विजन को जो सेंस में हम कहते हैं कि 5 सेंसेस होते हैं, विजन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मेटल कॉपर है, और तत्व इसका जो है वो अग्नि तत्व है, गर्म तत्व है।
वैसे ही मून जो है वो क्वीन है और जो इसको फाइव सेंसेस में से इट रिप्रेजेंट द टेस्ट पार्ट ऑफ द फाइव सेंसेस और इसका जो मेटल है वो सिल्वर है क्योंकि जब हम बाद में जब हम बात करेंगे कि किस मेटल का किस मेटल में आपको अंगूठी बनानी है किस मेटल की चीज आपको पहननी है किस मेटल का दान करना है देन ऑल दिस थिंग्स विल बी यूजफुल कि जो चांदी है वो मून का मेटल है जैसे कि हम बात भी कर रहे थे तो और मून का जो तत्व है वो जल तत्व है रिप्रेजेंट जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो पांच तत्व है उसमें से जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है मंगल है मंगल को हमने कहा कमांडर इन चीफ और ये जो इट अगेन रिप्रेजेंट द विजन पार्ट ऑफ आवर सेंसेस और इसका मेटल कॉपर है और ये भी अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है मरकरी इज अ प्रिंस और जो इसका जो सेंस है दैट इज स्मेल पार्ट ऑफ द सेंसेस और इसका जो मेटल है दैट इज द बेल मेटल जो मंदिर में घंटियां बनती है उसका जो मेटल होता है वो इसका मेटल है और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है अर्थ जो एलिमेंट है वो इसका तत्व है जुपिटर मिनिस्टर है कैबिनेट में और जो हमारा इयरिंग है सेंसेस उसको रिप्रेजेंट करता है मेटल इसका गोल्ड है और ये हमारे आकाश तत्व को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में से आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है वीनस है वीनस मिनिस्टर है इसका जो सेंस है दैट इज द टेस्ट और मेटल इसका सिल्वर है सिल्वर या इसको प्लेटिनम भी कहते हैं बिकॉज़ इट्स ऑफ वाइट कलर और इसका तत्व है जल तत्व है और शनि जो है वो सर्वेंट है और जो टच है जो स्पर्श है वो सेंसेस उसको रिप्रेजेंट करता है मेटल इसका आयरन है और ये जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए ये जो तत्व हैं दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि अग्नि तत्व है सन इसका मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ द हीट एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द सन जो वायु से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम होगी जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह होती है रिमेटिज्म वगैरह होता है वो सब सैटर्न की वजह से होती है दिस तत्व विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल वाटर से कनेक्टेड जो भी डिसीज होगी वो मून एंड वीनस से होगी तो ये सब चीजें आपको बाद में काम आएंगी बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये थोड़ा सा ये सब चीजें समझनी पड़ेगी तो आई थिंक आई स्टॉप हियर एंड सो दैट यू गेट सम चांस टू आस्क क्वेश्चंस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछिए कितने जन का ऑन कर दीजिए अनम्यूट कर दीजिए सबको जैन साहब ये पीपीटी अभी आपने शेयर नहीं किया मैं दे दूंगा आज टुडे आई विल सेंड यू थैंक यू हाँ अनिल जी ये आपने पाए के बारे में बताया ना कॉपर का पाया गोल्ड का और चार बताए लोहा सिल्वर का जी, तो जी. अगर किसी का इनमें से कोई भी एक है और बाकी जो उनके प्लेनेट की पोजीशन कैसी भी हो तो ऑन द होल वही इंपैक्ट रहता है सपोज किसी का मैंने कहा कि मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइफ में प्रॉब्लम तो हर आदमी के लाइफ में आती है तो उसको आपको एज ए चैलेंज करके उसको एक्सेप्ट करके उसको फेस करना है और जिनका मून स्ट्रांग होता है वो दे आर एबल टू फेस एनी चैलेंज इन द लाइफ वो फेस कर पाते हैं उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है और अगर वो फेस कर पाते हैं प्रॉब्लम को लाइफ में जो आती है दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट फिर हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती और जो लोग फेस नहीं कर पाते वो दुखी रहते हैं तो दैट इज द मून आपका कितना स्ट्रांग है आपके हॉरोस्कोप अगर आपका सिल्वर है तो आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं बाकी प्लेनेट की नहीं अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी मैंने कभी नहीं कहा प्रॉब्लम आएंगी 100% आएंगी हर किसी की लाइफ में आएंगी बट यू विल बी इन पोजीशन टू फेस दोस प्रॉब्लम्स अच्छा उसको आप करके निकल मत सोचिए कि प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे ठीक है हेलो जी ये जो आपने एग्जॉल्टेशन और डेब्लिटेशन साइंस बताए हैं और डिग्री बताई है तो एग्जैक्टली इसी डिग्री पर जब प्लेनेट होगा तो एग्जॉल्ट होगा या डेब्लिटेट अगर इस डिग्री पर है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जिसके आसपास है तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा बट एग्जैक्टली अगर इस डिग्री पर है दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लेनेट जैसे हम जनरली कह देते हैं कि ओके टॉरस में है मून टॉरस में है तो एग्जॉल्टेड है नॉर्मली हम कह देते हैं कि मून टॉरस में है तो उच्च का है
उच्च में भी तो नेचुरली अगर उसी एग्जैक्टली उसी डिग्री पर है तो हाँ नहीं, अगर मून अगर हम हॉरोस्कोप में देखते हैं कि टॉरस में है पर वो है 28 डिग्री का है, 1 डिग्री का, तो वो तो एग्जॉल्टेड नहीं हुआ ना, कम हो गया एग्जॉल्टेशन, तो साइन तो वही है लेकिन डिग्री चेंज हो गई, तो उससे थोड़ा सा कम हो गया, उससे बस स्ट्रेंथ उसकी थोड़ी कम हो गई। ओके थैंक यू सर। आपने बोला फोर्थ हाउस का कारक इज मून, एंड फोर्थ हाउस में अगर मून होता है तो यू सेड इट इज बेसिकली द आयरन का पाया, व्हाई इज इट लाइक दैट कि मून अपने ही घर में कारक एंड द पोजीशन ऑफ मून इज डिफरेंट एक्चुअली। कारक तो इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटल पीस, और मैंने कहा कि जनरली ये कहा गया कि कारक भाव में बैठकर उसका नाश करता है, तो मून भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक इट विल नॉट बी गुड इन दैट हाउस। ओके जैसा ही बताएंगे, ये आपने बताया डायरेक्शन ऑफ प्लेनेट जी, तो डायरेक्शन प्लेनेट से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत से लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपको सूट करेगी, किस डायरेक्शन में आपको मकान लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको बिजनेस करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको घर बनाना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपकी शादी होगी, कौन सी डायरेक्शन आपको मोस्ट सुटेबल होगी। All those things will matter actually, and that we can find out with the help of these things. तो हर planet की direction होती है? हर planet की, और आगे आप देखेंगे हर राशि की भी direction होती है, तो दोनों आपको consider करना पड़ेगा। Thank you. Any other question? सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मर्करी ये नेपच्यून यूरेनस एंड प्लूटो भी लिखा हुआ है, उसका कुछ रोल है या नहीं है? क्या चीज समझा नहीं? प्लूटो नेपच्यून यूरेनस ये भी लिखे हुए, इनका कुछ रोल है या नहीं है? नहीं, हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको कंसीडर नहीं करते बिकॉज़ देयर मूवमेंट इज टू स्लो, तो हमारा डे टू डे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट एनीवे वी डोंट कंसीडर देम इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सर थर्ड हाउस का आपने कारक बताया मार्स है जी, कहीं कहीं लिखा हुआ कि मर्करी भी होता है थर्ड हाउस का बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जो मेन कारक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो मेन कारक उस हाउस का है, वी आर एग्जामिनिंग द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ दैट हाउस, तो उसके लिए तो नेचुरली मार्स ही है, बट मर्करी जब हम कम्युनिकेशन पार्ट को अलग से एग्जामिन करेंगे देन कारक बिकम मर्करी कम्युनिकेशन पार्ट के लिए। जैसे अभी हमने कहा फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस के जो सिग्निफिकेशन है बहुत सारे हैं, मदर भी है, वकील भी है, प्रॉपर्टी भी है, एजुकेशन भी है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट जब हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन करते हैं देन मदर का कारक मून हो गया, प्रॉपर्टी का कारक मंगल हो गया, वकील का कारक वीनस हो गया, एजुकेशन का कारक जुपिटर हो गया। जब हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट को एग्जामिन करेंगे व्हाट वी आर कंसीडरिंग नाउ इज द जनरल पोजीशन ऑफ द हाउस, but when we examine the individual part, individual aspect of the life, then we see the individual karak also. Thanks sir. Ninth house father ka bhi hota, father ka karak sun hai, lekin baaki ka karak jupiter hai, but main jo house ka karak hai wo jupiter hi hai. Golden paya acha hota hai? Best paya is silver, second is copper, third is the gold, and fourth is the last is iron. Thank you. Sudhir ji, aapne pooch raha question, aapka mute hai audio. मैं काफी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। I find that you are doing lot of hard work actually, and everybody is appreciating that. कम से कम आप एक ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक्चुअली डिटेल्ड वो astrosage.com से 50 पेज की अपनी वो निकाला हुआ है प्रेडिक्शन, एंड आई वांट टू एग्जामिन हाउ मच ट्रुथ इज देयर एंड व्हाई इट इज देयर। एंड देयर विल नॉट बी एनी ट्रुथ बिकॉज़ कंप्यूटर से आप प्रेडिक्शन निकालेंगे तो दे कैन नॉट बी ट्रू। वो जनरल प्रेडिक्शन होती है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी। आपने काफी महत्वपूर्ण चीजें बता दी हैं, अब उसके सापेक्ष भी ये पाया देखना और ये तमाम चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो
और चार पांच कुंडली को देखे बैठेंगे और कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये चीजें एक्चुअली में सब आपसे पूछते हैं, जैसे कि जैसे पता लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, पाये का पूछेंगे, पंचक का पूछेंगे, और जैसे राहु काल वगैरह है वो भी हम बताएंगे आपको कि राहु काल तो नहीं चल रहा, तो ऑल दिस थिंग दे स्टार्ट आस्किंग, मांगलिक तो नहीं है बच्चा, ये सब चीजें आपसे पूछेंगे, और ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप कम से कम आंसर तो दे पाए। तो मांगलिक दोष सबसे पूछेंगे, जैसे बच्चा पैदा होता है कि मांगलिक तो नहीं है, be able to answer that also, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्लास। ये लोहे का पाया का मतलब क्या होता है? लोहे का पाया का मतलब है कि मून इज ए वीकर पोजीशन, और जैसे मैंने कहा कि दिस इज जस्ट द प्लेसमेंट ऑफ ए मून इन ए पर्टिकुलर हाउस, दैट इज नॉट द ट्रू इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। वो हम आजकल के टाइम में नहीं मानते उसको, जस्ट बाई वर्चू की एक प्लैनेट इस हाउस में प्लेस्ड है, इट कैन नॉट बी गुड और बैड, वी हैव टू सी इन टोटलिटी कि कौन सा एस्पेक्ट है, किस साइन में है, नीच का है, उच्च का है, अपने फ्रेंड के साइन में है, एनिमी साइन में है, कौन कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, और इंडिविजुअल चार्ट में क्या पोजिशन है उसकी, देन वी सी द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। बट खाली जस्ट बाई वर्चू की एक प्लैनेट इस हाउस में प्लेस्ड है, इट कैन नॉट बी गुड और बैड, बट पुराने जमाने में लोग कंसिडर करते थे, इसीलिए बताना जरूरी भी है, अदरवाइज आजकल तो नॉर्मली वी डोंट कंसिडर दिस हाउस, पाया वाया हम लोग नहीं ज्यादा ध्यान रखते। तो एक उसके अंदर दो दो प्लैनेट्स अगर एक साथ बैठे हुए हो तो उनका इफेक्ट नलिफाई नहीं हो जाएगा या कम नहीं हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे से क्लैश करेंगे अगर वो फ्रेंडली प्लैनेट्स। कह रहा हूं कि वी हैव टू सी इन टोटलिटी, जैसे मैंने कहा कि जो शुभ ग्रह हैं उनका एसोसिएशन अच्छा होता है, उनसे प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो अशुभ ग्रह हैं, जो मैलिफिक प्लैनेट है, उनके एसोसिएशन से प्लैनेट की स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, जब भी हम एक असेसमेंट कर सकते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट। तो ये खाली ये कहना है कि मून एक 4, 8, 12 में बैठा हुआ है जो उसके खराब है, आई डोंट थिंक दैट इज राइट इन पर्टिकुलर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। बट फिर भी क्योंकि लोग तो पूछेंगे आपसे, तो आपको मालूम तो होना ही चाहिए ना। एक तरफ हम सन को बोलते हैं कि वो मैलिफिक प्लैनेट है और एक तरफ सन को हम सात्विक प्लैनेट बोल रहे हैं। देखिए नेचर होता है, एक ऐसे नहीं कि कोई एक खराब आदमी है तो वो सात्विक नहीं हो सकता, नेचर है थोड़ा सा। मैलिफिक का मतलब वो एडवर्स इफेक्ट करता है, एडवर्स मतलब बाय नेचर, व्हाट वी आर टॉकिंग इज द नेचुरल बेनिफिक एंड मैलिफिक प्लैनेट। कुछ लोगों की प्रकृति है कि शांत रहने की, अच्छा करने की, किसी का बुरा नहीं करने की, कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि कुछ ना कुछ करने की जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की, तो वो है बाय नेचर है ये, नथिंग टू डू, इसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं होता, बट जस्ट बाय नेचर। जैसे शनि है, मान लीजिए कि शनि इज ए मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट, और हम कहते हैं कि शनि इज द ओनली प्लैनेट विच कैन गिव यू द स्टेटस, तो स्टेटस तो देगा बट उसका नेचर है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का, तो साथ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि स्मूथली कुछ दे देगा आपको, देगा सब कुछ देगा लेकिन विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम, विद लॉट ऑफ हर्डल्स इन द लाइफ। अगर कोई अगर जुपिटर होता उस केस में, तो जुपिटर में देखते बड़ा स्मूथली आपका ग्राफ जा रहा है अपवर्ड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही जुपिटर, तो ये डिफरेंस हो जाता है एक बेनिफिक और एक मैलिफिक प्लैनेट की दशा। प्लैनेट तो देखिए कोई खराब अच्छा नहीं है, ऑल प्लैनेट्स आर गुड एंड एज वेल एज बैड आल्सो, कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा हो सकता है, कोई भी प्लैनेट बहुत खराब भी हो सकता है। जैसे जुपिटर है, जुपिटर को हम कितना भी बेनिफिक कहें बट इट कैन बी वेरी वेरी मैलिफिक, फंक्शनली मैलिफिक आपके प्लेसमेंट। ऐसे ही शनि कितना भी हम खराब कहें बट इट कैन बी वंडरफुल प्लैनेट। तो ये सारा पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हम लोग एग्जामिन करते हैं एक तो नेचुरल उसकी करेक्टरिस्टिक देखते हैं और एक फंक्शनली कि वो हॉरोस्कोप में किस तरह के प्लेसमेंट है उसका। हेलो सर, मेरा भी क्वेश्चन है। बताइए कि लोहे के पाए जिसके होते हैं तो क्या पेरेंट्स का भारी होता है वो बच्चा? पेरेंट्स का भारी नहीं है ये, वो तो हम लोगों ने गंडमूल नक्षत्र की बात की थी कि अच्छा। बच्चे का जन्म जब गंडमूल नक्षत्र में होता है तो फादर के लिए भारी होता है, दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम। लोहे के पाए से कुछ नहीं होता? नहीं, पाए का तो मतलब अपना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है, परिवार के ऊपर भारी नहीं है, परिवार वाले कंसर्न हो जाते हैं कि बच्चे का जो
प्रॉब्लम आएंगी तो फेस नहीं कर पाएगा, हमें इसकी सहायता करनी पड़ेगी 24 घंटे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा इसलिए वो। और ये जो स्टार कहा जाता है नीच का है तो वो किस पोजीशन में कहा जाता है? इट्स अ वीक पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे हमने कहा कि सन जो है 7 नंबर राशि में या लिब्रा राशि में नीच का है, जेमिनी साइन में है, सो इट बिकम्स अ वेरी वीक पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट, बहुत वीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि कौन से प्लैनेट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ। अगर किसी का प्लैनेट नीच का है, और जैसे मैंने कहा कि जो सन गिव्स यू द स्टेटस, सन गिव्स यू द ऑनर परफॉर्मेंस, सन गिव्स यू द फेम, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल दीस थिंग्स विद अ डेबिलिटेटेड प्लैनेट। दैट इज द पर्पस। अच्छा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। Okay, now we can. Okay, now I don't have any question now. So we can close now. Haji, we can close now. We can close now. Thank you. एक और बता दीजिए, जैसा एक क्वेश्चन और है कि आपने बताया हर एक ग्रह का उच्च स्थान है निचले स्थान है, हर एक ग्रह का उच्च स्थान है निचले स्थान है, तो क्या दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि जो अच्छा रहे? ऐसे पॉसिबल नहीं है। उच्च स्थान में है तो बेस्ट पोजीशन है, नीच का है तो वर्स्ट पोजीशन है, इन बिटवीन मीडियम पोजीशन हो जाएगी उसकी। अच्छा हाँ, अगर उच्च के देखिए एक ही पोजीशन में तो होगा, मान लीजिए उच्च की पोजीशन में है तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन, नीच की पोजीशन में है तो दैट इज द वर्स्ट पोजीशन, और बीच में कहीं पर है तो ये इन बिटवीन हो गया बिल्कुल। ना उच्च का हुआ ना नीच का हुआ, मीडियम पोजीशन उसकी। तो हर एक राशि का है, हर एक प्लैनेट का उच्च भी है नीचे भी है, बीच के भी दो है, चारों। राइट, हर प्लैनेट जो है उसकी एक उच्च राशि भी है और नीच राशि भी है। नीच राशि भी है हाँ। So I think we close the meeting and thank you so much. Thank and I will send you the PPT and I will also talk about the book actually. So अगर किसी को लेना होगा तो then very enlightening lecture sir. Thank you so much. Thank you so much. We meet next week then. Thank you. Thank you and bye everybody.